तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यार विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों अगर आपका भी बीपीएल और आयुष्मान कार्ड नहीं बना या फिर दोस्तों आपका जो राशन कार्ड बना हुआ था वह कट गया जिसके कारण आपने परिवार पहचान पत्र के शिकायत पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत डाली थी या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर डलवाई थी, लेकिन दोस्तों उसका जब आप स्टेटस चेक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का स्टेटस आपको दिखाई देता है। स्टेटस जो एक्शन है या एक्शन रिमार्क्स है उसमें लॉग्ड और टिकट लॉग्ड दिखा रहा है। इसके बाद कोई भी प्रोसेस नहीं हो पा रही है। अब ये जो एप्लीकेशन है अप्रूव कैसे होगी, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अभी तक ये जो आपका रिमार्क्स है वो अभी तक टिकट लॉग्ड क्यों दिखा रहा है, इसके बाद की प्रोसेस क्यों नहीं हुई है अभी तक। तो दोस्तों अगर आपका भी राशन कार्ड नहीं बना है अभी तक या आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और आपने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी थी लेकिन आपकी शिकायत पर कोई भी काम फिलहाल नहीं हुआ है और जो आपकी शिकायत जैसे आपने लगाई थी वैसी की वैसी लगी हुई है, उसके बाद डिपार्टमेंट ने उस ग्रीवेंस पर कोई भी अभी तक पुख्ता एक्शन नहीं लिया है, न ही कोई आगे से जवाब आया है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो आगे भेजी है या अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है, वैसी की वैसी अभी तक है। क्या वो जो एप्लीकेशन है वो दब चुकी है? अब आपको क्या करना होगा? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीवेंस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और ये जो ग्रीवेंस है दोस्तों ये 24/1/2023 को लगाई गई थी, यानी दोस्तों 24 जनवरी को लगाई थी और दोस्तों अभी तक ये जो एप्लीकेशन है इस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है, इसकी जो प्रोसेस है वह स्टार्ट नहीं हुई है। क्या ये अब ये शिकायत काम नहीं करेगी या इस पर कोई एक्शन अब डिपार्टमेंट नहीं लेगा? तो दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता नहीं करनी है कि आपने ग्रीवेंस लगाई थी और डिपार्टमेंट उसे चेक नहीं करेगा। दोस्तों जरूर चेक करेगा और आपको जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर आपने शिकायत दर्ज कर रखी थी तो आप एक बार फिर से चेक कीजिए आज अपनी शिकायत को, जो आपकी शिकायत है उसका स्टेटस अब आपको क्या दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको एक कल वीडियो के माध्यम से सूचित भी किया था कि जो आपकी शिकायत है वह चेक होनी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों ये भी आप शिकायत देख सकते हैं 4/2/2023 यानी 4 फरवरी को ये शिकायत डाली गई है और दोस्तों 2-3 दिन पहले तक इस पर कोई भी जवाब या डिपार्टमेंट ने एक्शन नहीं लिया था। अब दोस्तों नीचे जब आप देखेंगे तो यहां पर ये जो शिकायत है इस पर डिपार्टमेंट ने काम शुरू कर दिया है और ऐसी बहुत सी जो ग्रीवेंस है मैंने चेक की है और दोस्तों उनका जो कार्य है वो शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी अभी तक शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है तो कम से कम आप 3-4 दिन जरूर इंतजार करें, आपकी जो शिकायत है उसे भी डिपार्टमेंट चेक करेगा। क्योंकि दोस्तों धीरे धीरे करके ही सभी जो शिकायतें हैं वो चेक होंगी, क्योंकि दोस्तों लगभग 10-15 दिन से जो डिपार्टमेंट है इस पर कार्य बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, यह काम जो है बिल्कुल मेरे हिसाब से दोस्तों बंद हो गया था। लेकिन अब फिर से एक बार डिपार्टमेंट इन्हें चेक कर रहा है, जो आपने शिकायत डाली थी उन्हें चेक कर रहा है, ग्रीवेंस को एक बार फिर से देख रहा है कि जो आपने शिकायत लगाई थी वो सही है या नहीं और उस पर दोस्तों पुख्ता एक्शन डिपार्टमेंट जरूर लेगा, जो डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आपकी शिकायत 3-4 दिन के बाद भी अप्रूव नहीं होती है तो मैं आपको एक नई वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा कि अब आपको किस प्रकार अपनी नई शिकायत दर्ज करनी होगी। क्योंकि दोस्तों आप जब आप शिकायत दर्ज कर रहे होंगे तो आपके सामने आ रहा होगा कि जो आपकी शिकायत है वो पहले से रजिस्टर्ड है, 15 दिन के बाद आप शिकायत डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी आप नहीं डाल पाएंगे चाहे कितने भी दिन हो गए हों। क्योंकि दोस्तों जब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट या अप्रूव नहीं होगी तब तक आपको नई शिकायत डालने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2-3 दिन के अंदर अंदर जो आपकी शिकायत है उस पर डिपार्टमेंट एक्शन ले लेगा और फिर भी अगर आपकी जो शिकायत है उस पर कोई कार्य नहीं होता है तो मैं आपको एक नए वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करूंगा कि अब आपको ग्रीवेंस किस प्रकार डालनी है। लेकिन लगभग मैं वीडियो डालूं उससे पहले पहले जो आपकी एप्लीकेशन है वो लगभग डिपार्टमेंट छेड़ ही देगा और उसे जो आपकी ग्रीवेंस है या तो वो रिजेक्ट होगी या अप्रूव होगी। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है,
है, अगर रिजेक्ट भी होती है या अप्रूव होती है उससे संबंधित भी मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये जो आपकी एप्लीकेशन आपने डाली है वो क्यों अप्रूव हुई है और क्यों रिजेक्ट हुई है, सभी उस वीडियो में आपको सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी, अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। और दोस्तों आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है कि आप शिकायत दर्ज कैसे कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं, उन दोनों वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साइट का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।